टेक्नो बेस्ट। चले अभी ऑटोग्राफ नहीं करेंगे। और कॉलेज में जो गुंडागर्दी हो रहा है इसके वजह से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं काफी सही होंगे। और आप सभी को फिटनेस वाला ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं। मेरे कॉलेज में बहुत सारे आज इवेंट होने वाले हैं। सबसे पहले तो BGIM के होने वाला है, जो कि आप लोग, जो कि मेरा दोस्त पार्टिसिपेट भी कर रखा है। और ब्लॉग कॉम्पिटिशन भी है, ब्लॉग कॉम्पिटिशन जो कि कल हो प्रेजेंट होगा। इसके बाद फिर बात करें वासुदेव कुटुंब है, जो कि कल होगा। एंड अभी आपको चलते लेकर जहां स्कूल के बच्चे स्केटिंग सीख रहे हैं करने के लिए, अभी वहां चलते हैं और वहां आप लोग को चलकर दिखाते हैं। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्द से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अभी हम चल रहे हैं विषय डिपार्टमेंट, जहाँ सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं BGIM का। तो सारे लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चलते हैं अंदर। और ये मेरे कोरियोग्राफर साहब, टेक्नोफिलिया 2024, ये सर्वाइवल सीरीज BGIM। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं सेमिनार हॉल, जहां गेम होने वाला है। और ये सारे पार्टिसिपेट पहुंचे हुए हैं। इधर ये भी है, और ये मैनेजमेंट का टीम भी है। पंखा तो चल रहा है यहाँ पे, देखो सामने खड़ा हो। और अभी हम पहुंचे हुए हैं जहां स्टॉल लगा हुआ है। और ये स्टॉल कल आपको दिखेगी बहुत अच्छे तरीके से। कल अपने सारे स्टेट को प्रेजेंट करेंगे, और जैसे कि बिहार और कंट्री भी है, नेपाल, नाइजीरिया, बहुत सारा ऐसा है, ठीक है। और अपना इंडिया में जितना भी स्टेट है, इधर देख सकते हो सारे के सारे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आज से ज़्यादा जो मज़ा आने वाला है, वो कल मज़ा आने वाला है, क्योंकि कल हर कोई ना कोई अपना इवेंट में बहुत अच्छा करने का प्रयास करेगा, और जहां तक हो सके तो वो अपना बेस्ट देने का प्रयास करेगा। अभी हम विटेक डिपार्टमेंट पहुंचे हुए, और बिहार का एग्जीबिशन जितना भी प्रॉप रेडी हो रहा है, वो सारे जितने भी, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा जगह, इसलिए सारे लोग विटेक डिपार्टमेंट में ही आकर अपना प्रॉप तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं, जो बिहार का कोऑर्डिनेटर है, जो मतलब कि अपना प्रॉपर मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके पास चलते हैं और उनसे भी बातचीत थोड़ा करते हैं, और दिखाते हैं भी थोड़ा प्रॉप भी दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रॉप बन रहा है, इनसे जाकर बात करते हैं।
और ये रिप्रेजेंट बिहार को इस बार कर रहा है, तो अभी वैसे इसका नाम तैयब हुआ, अब ये बताएगा कि क्या क्या मतलब बिहार का इस बार प्रॉप यूज कर रहा है और क्या क्या बना रहा है बिहार का। बताओ जी तैयब, क्या क्या बना रहे हो इस बार? हम बिहार के वासी, गर्व होना चाहिए कि हम बिहारवासी हैं और हमारे को बिहार को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, इसलिए हम जोर शोर से बिहार के काम में लगे हुए हैं। आप वो देख सकते हैं, इसका नाम हुआ दरभंगा किला। ये दरभंगा किला, इसके बगल में गांधी सेतु पुल है। अच्छा, गांधी सेतु पुल। अच्छा, अच्छा अच्छा। और वहाँ पर है महाबोधि टेम्पल, बोधगया की शान। हाँ, और क्या क्या और क्या क्या है? बहुत कुछ बाकी, बिहार का मैप बाकी है, छठ पूजा इवेंट है वो भी करना है, और एग्जीबिशन को एकदम अच्छे से डेकोरेट करना है, वो डेकोरेशन बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, एकदम आगे देखते जाइए आप लोग। कितना टाइम लग रहा है ये सब? इतना टाइम है कि मतलब पूरा कंप्लीट करना है इसको, बाकी कल प्रेजेंट करना है। तो और तुम्हारा है कहाँ सारा जो टीम मेंबर है? क्यों क्लास वो क्यों कर रहा है कोऑर्डिनेटर? तुम हो तो अटेंडेंस क्यों नहीं दिलवा रहे हो फिर? कोऑर्डिनेटर मेरे रहने की बात नहीं है, मैन बात है ना कि मैम से अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि हमें मिल रहा है कि नहीं अटेंडेंस। हम तो अपने डिपार्टमेंट से अटेंडेंस ले ले रहे हैं, बाकी बच्चों को डिपार्टमेंट से अटेंडेंस दिला नहीं पा रहे। फिर ये यहाँ पर तो तुम्हारा गलती है। हाँ जी, क्या हाल है? सब बढ़िया। क्या तुम कर रहे हो? बिहार में गन फैक्ट्री। क्या कर रहे हो? बिहार का गन फैक्ट्री बन रहा है। अच्छा अच्छा, ये गन फैक्ट्री है। अच्छा, मुंगेर में पहला इधर फैक्ट्री था जहाँ पे गन ये सब सप्ला और पूरा टैंक वैंक बनता था। अच्छा, तो ये प्रोप आज तैयार हो जाएगा? हाँ। अच्छा, और ये सबसे ज़्यादा मेहनती बच्चे ये हैं? वैसे ये फिलहाल बात कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा बुला ही लेते हैं, मेहनती बच्चे हैं ये, घर बात कर रहे शायद। आप एक मिनट के लिए मेरे को टाइम दीजिएगा। वैसे आप अपना नाम बताइएगा। इनका कोई बात नहीं, इनका भी हो जाएगा। क्या बताएं? अपना नाम बताओ पहले सबसे। मैं नाम हरी हूँ। जोर से बोलना। मैं नाम हरी हूँ। हाँ। इस प्रोजेक्ट में हम उसमें काम कर रहे हैं, मेन टेम्पल में। हाँ हाँ, क्या क्या बना रहे हो इसमें? अम्मा बोली टेम्पल बना रहे हैं। हाँ, मेरा ये एग्जीबिशन अच्छा एक प्रोजेक्ट, और अभी चल रहे हैं नेपाल वाले को भी दिखाते हैं क्या क्या वो बना रखा है। तो कुछ पूछ सकते हैं ये सब के बारे में, कल्चर के बारे में? पहले तो भाई आप एक सेकंड, ये जानकी मंदिर है। ये जानकी मंदिर है, बन रहा है, और वो पशुपतिनाथ है। ये पशुपतिनाथ है, वो शंभुनाथ है, और ये शंभुनाथ है, धरारा। अच्छा, घंटाघर। अच्छा, और कुछ प्रेजेंट कर रहे हो? ये साइड में जो पहाड़ जैसा दिख रहा है वो तिब्बत? अच्छा, माउंट एवरेस्ट है। आप लोग टीम मेंबर बस इतने ही हो? और ये माउंट एवरेस्ट है, और अभी नेपाल का बस दो ही स्टूडेंट इधर दिख रहे हैं। और अभी जो है मैनेजमेंट के टीम से जो गया था खेलने के लिए, क्या बोलते हैं, कौन सा गेम था? पबजी। जो पबजी खेलने के लिए गया था, इन लोग आ चुका है, और इन लोग का सेकेंड आ जाया है, और इन लोग का मैच जो है कल भी होगा। अभी इन लोग से बात करवाते हैं। और ये देख सकते हैं अनिकेत जी हैं, आदित्य जी, और इधर ओम गुप्ता, और एक बंदा नहीं है, ये चारों मिलकर खेला है नूब। और अभी इन लोग बताएगा कितना किल करके आया तीनों। और अनिकेत 10 किल किए भाई मैंने, 10 किल एक के बाद 10 किया मैंने भाई। अच्छा, और ये बीच वाला, बीच वाला
आज साइड वाला फिंगर दिखाया है, हमें लगा कि आज भी मिडिल फिंगर दिखाएगा। अच्छा हाँ, अच्छा ये चौथा बंदा यही था ना। अच्छा ये यस, इन लोग आया है पबजी खेल कर, ठीक है, और आज सेकेंड आया है, ये इन लोग सेकेंड आया, ठीक है। तो आदि आप कुछ बोलना चाहते हैं? सीधा मना कर रहा है। किल एक किल किया है, एक किल ओम सबसे ज़्यादा वो लास्ट तक लड़ते रहा, और इसके वजह से ही ये टीम जो है मैनेजमेंट का सेकेंड आया है। और क्या, लास्ट तक जिंदा रहा है, ये मेरी वजह से लास्ट तक जिंदा रहा। तू तो पहले ही ख़त्म हो गया था, एक भी किल नहीं किया, एक तो नूबड़ वो है ही नहीं, वो भी एक जीरो किल, यानी कि एक और तुम तीन, चार किल खत्म, दो सुमित और ये अनिकेत का ऑटोग्राफ मिल गया है, बहुत बढ़िया। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? बहुत बढ़िया मैम। इधर कैमरा में देखकर बात कीजिए, कैमरा में देखकर बात कीजिए। मेरे दोस्त लोग सेकंड आए हैं, चाचा मैं सभी का ऑटोग्राफ सर खाने गुड़का तो दिए भाई, गुड़का वो नहीं खा रहा था बाद में कॉलेज में जो गुंडागर्दी हो रहा है इसके वजह से, और कोई नहीं, बस यही, इसके अलावा और कोई नहीं, यही मेन यही है, मकसद भूल गया, कोई नहीं मकसद भूल गया, वो मेरे क्लास का फायदा है ना, मकसद पे जा रहा है, इधर आ। दोस्तों मिलते हैं कल, और कल जो ब्लॉगिंग आएगी वो बहुत ही मस्त आने वाला है, ठीक है, तो आप लोग नोटिफिकेशन चेक करते रहो।